मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, नो बडी विल अटर एवन अ सिंगल वर्ड. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके ओके सर, ओ माय गॉड, नहीं बोलेंगे अब. इट्स ओके सर, इट्स ओके. मैं कुछ स्टाइल में लिखने वाला हूँ. ये क्लास कब तक चलेगी? मैं अभी भी सो के उठा हूँ और नींद आ रही है. बताओ सर कब तक चलेगी? चलेगी आधा घंटा बस. इंडिया वांट्स टू नो. उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों, कुछ स्पेशल पॉइंट्स है ना, आओ देखें. शुरू करें. देखो एमआरएनए पे कुछ स्ट्रैंड होते हैं. देखो एमआरएनए पे कहाँ गया, टेढ़ा क्यों ड्रा हो रहा? अच्छा टच पैड ही टेढ़ा. देखो अरे यार और टेढ़ा हो गया. एक टच पैड को जरा सीधा करना. ये सही है. हाँ ये सही. तो देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि एमआरएनए पे कुछ ऐसे पार्ट्स, ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते. यानी ऐसा समझ सकते हो जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है उनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन. क्या कहते हैं बच्चों? अनट्रांसलेटेड रीजन. ठीक है जो स्टार्ट कोडोन होता है एयूजी, उसके आगे वाला पार्ट जो कैप है या जो भी है वो है, होता है एक अनट्रांसलेटेड कोड रीजन. और एक जहां पे स्टॉप कोडोन आ गया, स्टॉप कोडोन के बाद कुछ भी हो ठीक है, वो होता है अनट्रांसलेटेड रीजन. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So let's write about it. mRNA. है ना? Have some sequence. That are not translated. बताओ इतना चीज हम छोड़ नहीं ना सकते थे क्यों? नहीं तो ऐसे कैसे? काफी गलत हो जाता तुम लोगों के साथ बहुत. हाँ अनट्रांसलेटेड क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी स्पेलिंग ही गलत हो गया. Untranslated. अच्छा सही तो था. Translated. हाँ Untranslated reasons. सही था spelling. ठीक है तो कोई मिटाए तो नहीं ना Untranslated reasons. या फिर उसको हम लोग UTR भी कहते हैं. हमारे में मिटाने की सुविधा नहीं है सर. हाँ ये भी बात सही है. ये कहाँ कहाँ होता है? यहाँ देखो ये होता है कुछ सीक्वेंस एट 5 प्राइम है ना, बिफोर स्टार्ट कोडोन. 5 प्राइम पे कब होता है? बिफोर स्टार्ट कोडोन, क्योंकि स्टार्ट कोडोन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है. और एट 3 प्राइम आफ्टर स्टॉप कोडोन. आफ्टर स्टॉप कोडोन. After stop codon. Got it? Bolo. Okay. Chargaff rule yahan pe RNA mein valid nahi hai. Chargaff rule RNA pe valid nahi hai. Pooch deta hai kabhi kabhi hai na. To Chargaff's rule. Ye bhi maine miss kar diya tha. Nahi. Haan. नहीं हाँ, ये तो ये बहुत आसान था, रूल था वाला टाइम था. अरे बस वन ही तो होता है, यही तो था. डीएनए का पहला जो डुप्लीकेशन था ये प्रूव किया गया था इकोलाई बैक्टीरिया में. ठीक है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. और ये सर ये आपने जो पहला पॉइंट लिखा उसे वापस समझाओगे सर? मेरा नेट चला गया था. कोई बात नहीं है ना, मैंने बस बोला कि एमआरएनए है ना वो ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू करेगा? जहां पे स्टार्ट कोडोन होगा
वहीं से स्टार्ट करेगा ना yes, और कहां तक होगा जहां पे स्टॉप कोडोन होगा बोलो वहीं तक करेगा ना बताओ तो इसके yes, इसके इसके पहले वाला जो भी कोड होगा या जो भी सीक्वेंस होगा वो तो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसके इधर वाला भी कोई ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन इनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन ये फाइव प्राइम के पहले वाला बिफोर और ये थ्री प्राइम के बाद वाला यानी स्टॉप कोडोन के बाद वाला कुछ चमका वेरी गुड चमक गया तुम्हें तो सब पता चल गया डीएनए से आरएनए कैसे आरएनए से प्रोटीन कैसे बोलो अब तो सब समझ में आ गया तुम लोगों को ठीक है पक्का ना आग लगा देंगे लग ही जाएगा अब तो माचिस लेके चलना हाँ तुम मट्टी का तेल लेके आई हो दोनों आदमी मिलके आग लगा देंगे हॉर्न लगा देंगे पेपर पेपर में ले पर हॉर्न लगा देंगे आग पेन लेके मत जाइयो तेल लेके जाइयो सही बात है पल में ही लगा देंगे हाँ पर स्कूल को जहाँ भी होगा वहाँ पूरा आग लगा देगी अपने आप नेट के पेपर में आग लग जाएगी लोग जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे मेरा कौन ऐसे गंदे तरीके से हंसा था वे ओनली एनी प्रियंका प्रियंका थी नहीं मंदीप था वो वायलेंस नहीं मेरे ऊपर शुक्र करना तुम कभी ना देखो क्या सही बात कुछ नहीं हवा में गई कोई बात भाई साहब ये इसको देखो अलग ही है ये सब रिकॉर्ड में जा रहा है सुनना हमी को है अच्छा हाँ ये कोई नहीं सर हम नहीं डरते अब पहले डरते थे अभी कम हो गया थोड़ा बहुत नहीं नहीं हम, हाँ, पहले हमने हमने हम हमने बोला कि हमने बोला इनको डरो मत यार अब लोग कुछ नहीं करेंगे तब मानते ही नहीं बच्चे फिर भी डर जाते हैं चुप रहे बस चुप रहे आगे पढ़ने में ध्यान दे आवाज कट रही है भाई तेरी तू ढंग से बोल नहीं उसकी सही आई थी अब मेरी सही आ रही है झूठ मत बोल तेरा नेट खराब है ऐसा लग रहा है कि पता है हम लोग जैसे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना इतना लाइवली लगता है ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे अगर हम ऑफलाइन पढ़ते तो कितना मजा आता है वो तो मैं एक्शन लेने मैं नहीं ले रहा हूँ इसीलिए ना तो सर आप एक्शन क्यों लोगे हाँ वैसे वैसे तुम सर का पनिशमेंट देखते हो ओए हाय क्या पनिशमेंट देते हैं सर वेटिंग रूम में डाल दूंगा पूरे पूरे सीजन का ऑफलाइन क्लास भी तो हम एक वेटिंग रूम बनाते हैं और एक क्लासरूम बनाते हैं जो नहीं पढ़ता वो वेटिंग रूम में जाता पूरे साल में खड़े होकर पढ़ा है 20 मिनट बाद आना बढ़िया मजे आते तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें म्यूट कर दूंगा तुम यही सब करो वही तुम यही सब yes, करो तुम यही सब कर सकते हो और बोल भी रही है यस सर ओ वही तो आज सर मैं करूंगी सर आपने बोला मुझे देखो तो मतलब कुछ भी जी गुड वो दिन तो सर को अभी भी याद होगा जब स्मिथ को हमने भगाया था तुम यही सब बात करो लड़ाई करो लोगों से फिर अभी उसको बेचारी को भगा दो लेकिन अभी तो वो घर में अरे हाँ याद आ गया इतना किया था भाई साहब भग गए थे अरे इधर देखो इम्पोर्टेंट बच्चों इम्पोर्टेंट चीज देखो यहाँ पे इधर एक बार देख लो है ना AUC का उल्टा क्या होगा मुझे बताओ A का उल्टा U U का उल्टा A U का उल्टा G U A G ठीक है इसका क्या होगा U G U A इसका क्या होगा U A A तुम्हें पता है ये तीनों क्या है स्टॉप कोडोन नॉनसेंस कोडोन है ठीक है तो इनका तुम उल्टा एंटीकोडोन मत बना देना यानी ये एंटीकोडोन एग्जिस्ट नहीं करते देखो इसीलिए लिखा गया दीज एंटीकोडोन डू नॉट एग्जिस्ट
ये तो है नॉनसेंस कोडोनिया, स्टॉप कोडोनिया लिखना, ठीक है? तो इसे आंख खोल के और दिमाग खोल के लिखना। यूएजी यूजीए का उल्टा, एयूसी मत बना देना कभी भी, एसीयू मत बना देना। अगर कभी बोले कि भाई इसका आप एंटीकोडोन बनाओ, तो अगर वो बीच में ये दे देगा एग्जाम में, तो पहचान लेना कि ये स्टॉप कोडोन है, इसका बोल देना हमसे इसका नहीं बनेगा एंटीकोडोन, ये सब नहीं होता है, ठीक है? लिख देना वहां पर, ठीक है? लिख देंगे। ओके सर, वो फ्रैंकल के बाद कौन से अंकल का नाम लिखा है? एक छोटी सी, क्या प्रियंका अंकल, क्या बोलिए? फ्रैंकल और कॉनरेड, फ्रैंकल कॉनरेड, कॉनरेड। ओके ओके, प्रियंका अंकल, वही सोच क्या सोच कर रहे फ्रैंकल। वैसे वो भी ठीक ही है सर, सही जा रहे हो सर, वो भी ठीक है। अच्छा सर्दी हो गई, हम लोगों को बुलवा लेंगे सर, एक बहुत गंभीर उसके बर्थडे पार्टी पे क्या करेंगे? पार्टी ऐसे खाने से मतलब है, बर्थडे पार्टी में थोड़ा है, सब आदमी अपना अपना बना के रखना सर, सब आदमी अपना अपना टिकट कटवा लो पटना का, है ना? आ जाना, ठीक है? आ जाना आराम से, ठीक है? गॉट इट। आप नोएडा बुला रहे थे, आप पटना? हाँ सर, आपने बोला तो जरूर आएंगे। पटना आ जाना। और सर, टिकट की शादी है ना दिसंबर में, देखो सर क्या सब बात चल रहा है, वो बोल रही आ जाएगी। ये उत्कर्ष ने बताया था, अब की शादी ऐसी दिसंबर, उसके पूंछ में एक दिन हमको आग लगाना ही पड़ेगा। सही बोला सर, देखो अरे मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ होगा हमें पता भी नहीं चलेगा सर, बुलाएंगे भी नहीं। और अभी इसमें कम से कम शादी तय कर लिए, इसमें अभी इसमें कम से कम 50 से 100 साल है, इसमें कम से कम 50 से 100 साल है, उससे कम में तो बात ही नहीं। देखा देखा, उससे कम में तो पहले मरेंगे, कोई नहीं छोड़ो, सिंगल ऐसे ही बुला लो सर, कोई बात नहीं सर। मैं आपकी शादी में खाना खाने आऊंगी सर। यही सब और फिर गाना कौन गाएगा? नहीं हम लाएंगे, नहीं हम गारंटी देते हैं, अनिकेत 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 का तेल जरूर लाएंगे, आप आग लगा दीजिए। अनिकेत सुन, जब घोड़ी पे चढ़ेंगे घोड़ी की लगाएंगे, यही सब तुम लोग करो, ये नहीं कि जल्दी से लिखो, पानी में आग लगाएंगे आपके वाटर फाउंटेन में, ऐसे ऊपर मस्ती करते जाऊंगा। पूरे 101 तुम लोग एक काम करो, जल्दी से लिखो, है ना? उसके बाद मैं तुम लोगों को फ्री करता हूँ। नहीं हमने लिखा ही नहीं, मतलब एक बात ही कोई मेरी भी सुन लो, बुक तो छिड़ गया है। मुझे लगता है कि सुबह में क्लास रखना ही नहीं चाहिए। नहीं सबका दिमाग अलग ही जगह पे होता है, सुबह रात कभी भी रख लो, हमारा दिमाग ऐसे ही है ही नहीं। तभी तो बोला बॉयज, सीधा बोल तो है ही नहीं। सही बात है, बात क्यों घुमा फिरा रहे हो? देखो मैं बिजली की रफ्तार से लिख रहा हूँ, तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर तो बता दो सर। बिजली धीरे कब हो गई? पूछो पूछो सर, हम कभी नहीं मिलेंगे सारे, मतलब कभी भी नहीं मिलेंगे ना। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एकदम है ना, सब आदमी स्मृति के यहाँ मिलेंगे, पार्टी रखेंगे, बीपी लाएंगे सर, आप बीपी, तुम बीपी लाना, दोनों बीपी लाऊंगी आने चाहिए, वीपी पीपी दोनों आने चाहिए। देखो घर में कोई सुन लेगा पीछे और पता भी होगा तो आके बैंड बज जाएगा, है ना? नहीं सर, हम ब्लड प्रेशर की नहीं, चिल सर, बहुत चिल है सब सर, इनको समझ ही नहीं आएगा इनको उल्टा लटका के मारेंगे फिर, ब्लड प्रेशर चल रहा होगा। ओ हाँ, बायो का क्लास है ना, सही बात। इन्हें उल्टा लटका के मारेंगे फिर हमें दर्द होगा, कोई बात नहीं, दुख होगा कि क्यों पिट गए बेचारे हमारी वजह से। जो अभी मिटाया आपने, अरे कितना स्लो हो यार कछुआ। बस एक बार थैंक यू सर, मिटा रहे हैं यार,
मिटाया भी नीचे से, देख लो बकवास करो करो बकवास। मैंने लिख भी दिया था, तू चुप रह। वही तो बकवास कर रहे दोनों के दोनों। लिखे बताओ जल्दी बताओ, लिखा लिखे तब एक मिनी सेकंड दे दो सर। इज इट ओके नाउ? ये पर्पल कलर अच्छा है ना, लाइट सा काफी एस्थेटिक है। लिख लिया बच्चों? ये बच्चा किसने छोड़ दिया? यस सर लिख लिया। हाँ एक बच्चा का आवाज आ रहा है, हटा दे। एक बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ सर वो यहाँ है। उसी का बर्थडे था क्या? नहीं भाई का। अच्छा वो तो बड़ा है, चलो। अच्छा वो तुमसे पूछ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ना? सर वो अभी यहीं बैठा था और वो ऑब्जर्व करके सब कुछ ये बोल के गया, तुम्हारे सर काफी चिल हैं, मैं से पता है, चल निकल यहाँ से। देख रहे सर तारीफ, देख रहे सर हमारी वजह से मिली है तारीफ। इट्स ओके वही, चलो आगे चले। देखो हाँ देखो बोलते और आप पार्टी भी नहीं दे रहे हो। मिल जाएगा कभी ना कभी, तो मिलना ही है ना, वो तो मिलना ही है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा एंजाइम है जिसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है? दिस इज ब्रेकिंग एंजाइम। क्या करता है ये? ब्रेक करता है, ये ब्रेक करवाता है ना। ये सॉल्युबल कोलोइड क्या होता है? जो सॉल्युबल होता है और क्या होता है? वाटर सॉल्युबल क्या? कोलोइड। कोलोइड नहीं जानती हो क्या? अबे तो सत्तू बता दो सर। दीप्सिका बताएगी कोलोइड। सत्तू और पानी। 50 दिन से सर सत्तू सत्तू बोले जा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? यही है कोलोइड। अबे कोलोइड है वो। तो पता है, आप तो देख ले। इतने दिन से यही चल ही रहा है। अब तो प्रियंका को पता सत्तू क्या होता है। सत्तू मेरे को भी पता है। दीप्सिका डूब मर। हाँ भाई हाँ। मुझे नहीं पता था। तूने कभी खाया भी नहीं दीप्शु का, ये मत बोलना। आजा आजा नहीं चम्मच तैयार रख रखा है पानी डाल के। तूने खाया है पता है, बस तेरे को पता नहीं है तूने खाया है। मैंने चम्मच तैयार है पानी पानी मतलब हमने स्कूल में चम्मच तैयार मारा था। स्मृति मैंने स्मृति का खाया होगा शायद से वो, बट वो पीने वाला नहीं था वो खाने वाला था। अबे सर तू होता है पानी में मिलाओ या आटे में मिलाओ? सर ने पानी जो पानी वाला होता है ना वो कोलाइड तैयार है। चम्मच तैयार है, आजा पानी में डूब जा। अरे सर क्यों मिटा रहे हो सर, रुक जा। बातें कर रही है बहन, नहीं अब नहीं, अब नहीं बहन नहीं। क्या मैं 5 मिनट के लिए, क्या मैं 5 मिनट के लिए तुम लोगों को म्यूट करके तुम लोगों का राइट छीन लूं अनम्यूट करने का? नहीं नहीं, चलो हम खुद ही म्यूट पे जाते हैं 5 मिनट के लिए। 1 2 3 स्टार्ट म्यूट। गुड चल ले ये कुछ भी 1 2 3 स्टार्ट म्यूट म्यूट हो जाओ। सही तो की है वो सर, वो साइड वाला भी तो लाओ। अरे यार कितना स्लो है, साइड वाला तो लाओ। क्या कछुआ कछुआ अच्छा सब हमारे ही क्लास में आके बैठे हैं क्या? यस सर हटा दें। एक शेर भी बैठा है सर प्लास्टिक का, हटा दे। शेर शेर होता है प्लास्टिक का, लकड़ी का है, जिसका भी हो। प्रियंका से सीखो कुछ, वो एक सही लड़की है। सर वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एर्गोसोम, एर्गोसोम, ERGOSOMES, एर्गोसोम्स। अब हटा दो, अब हटा दो। हटा हटा दो। हाँ अब हटा। चलो आओ इसके दो टाइप देखें। पहला वाला टाइप इंडो न्यूक्लियेजेस, क्या नाम है बच्चों? इंडो न्यूक्लियेजेस। और दूसरे का नाम है एक्सो न्यूक्लियेजेस, क्या नाम है बच्चों? एक्सो न्यूक्लियेजेस। तो इंडो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियर की सीड को अंदर से तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? अंदर से। आओ लिख दें इसको। तर मैं इससे काफी रिलेट करती हूँ।
हाँ तो वैसा ही कुछ। तुम अंदर से टूटती हो या लोगों को तोड़ती हो? टूटती है। पहला वाला। चलो फिर सही। सर मैं लेकिन लोगों के दांत तोड़ सकती हूँ। हाँ मुझे पता है कि वो आपको कैसे मुझे पता है कैसे ब्रिसल्स लगे हैं। आपको पता है जापानीज का जो सर ब्रेकडाउन अब क्या लिखा न्यूक्लिक एसिड उसका बात तो सुनने तो वो कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहे थे। बोलो बोलो। नहीं मैं फालतू बात पर वो जनरल नॉलेज है जो जापानीज वन येन कॉइन होता है ना वो इतना इतना है कि वो ऐसा पानी का जो ऊपर होता है ऐसा फ्लोट करता है वो सरफेस टेंशन तोड़ता ही नहीं है थोड़ी सी भी। ये यूपीएससी में आएगा अनिकेत। लिख लेता रुक 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 लिखता रुक रुक वापस बोल देखना कि यूपीएससी में आया था ऐसे बोल अबे नीट में आ गया तो गलती से जीके में प्रियंका ने क्या कहा था प्रियंका का नाम लिखियो। बच्चों ये क्लास अब यहीं पे संपन्न होता है। ओके बाय बाय।